गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। आज है 30 मई और दिन है संडे, और आज एक स्पेशल डे भी है क्योंकि आज है मेरे मम्मी पापा का एनिवर्सरी। सो हैप्पी एनिवर्सरी मम्मी एंड पापा। सो अभी मिल रही हूँ मैं आप लोगों से डायरेक्टली आफ्टरनून में, और आज का स्पेशल लंच है हम लोग का चिकन बिरयानी। तो चलिए पहले मैं खा लेती हूँ और फिर आप लोगों से बात करती हूँ। सो ये ओपन कर रही हूँ मैं बिरयानी जो कि मैं बनाई हूँ कुकर में। आज सोचे थोड़ा ही बनाना है, कुकर में ही बनाती हूँ, तो अच्छे से बना है। कितना खूबसूरत लग रहा है ऊपर से, अंदर से देखना पड़ेगा कि जला तो नहीं है, क्योंकि मेन वही होता है, कभी कभी नीचे से ना हल्का सा जल जाता है, तो अभी वो चेक करना मेन इम्पॉर्टेंट है। सो ये देखिए बिल्कुल नहीं जला है, बिल्कुल परफेक्ट हुआ है। और बासमती राइस के साथ जो बिरयानी बनता है तो मज़ा ही कुछ और होता है उसका खाने में। सो हम लोग खाते हैं अभी। तो लंच करने के बाद हम लोगों को बहुत सारा ऑफिस का काम करना था, तो हम दोनों बस उसमें ही बिजी हो गए थे। सो मैं अभी आप लोगों को मिल रही हूँ डायरेक्टली इवनिंग में। तो यहाँ पे मैं सारे वेजिटेबल्स कट कर रही हूँ क्योंकि मैं बनाने वाली हूँ सौगे भात, जिसको कर्नाटका में इस नाम से जाना जाता है। उसको आप वर्मेसली पोहा भी बोल सकते हैं, तो वो बहुत टेस्टी लगता है खाने में। और कभी कभी थोड़ा चेंज करने का मन होता है, कुछ डिफरेंट खाने का मन होता है, तो आज हम लोग को बस मन हो रहा था कुछ डिफरेंट खाए, तो आज मैं यही बना रही हूँ। उसके लिए मैं कट की हूँ अनियन, कैप्सिकम और टोमेटो कट कर रही हूँ, साथ में एक ग्रीन चिली ली हूँ और थोड़ा सा करी लीव्स ली हूँ। और ये देखिए मैं ना कोरिएंडर को इस तरह से कट करके फ्रिज में रखती हूँ, तो बहुत दिन तक ना अच्छे से रहता है ऐसे डब्बे में पैक करके। नीचे में टिश्यू पेपर मैं डब्बे में बिछा देती हूँ और उसके ऊपर ऐसे उसके रूट्स होते हैं ना, जो कोरिएंडर के रूट्स होते हैं उसको अलग कर देती हूँ और फिर उसको ऐसे ही कवर करके रखती हूँ, तो बिल्कुल अच्छा रहता है। एक दो वीक तक बहुत अच्छे से मेरा रहता है ये कोरिएंडर। तो ये कट कर रही हूँ, साथ में एक आलू कट कर रही हूँ जिसको बहुत छोटे छोटे पीसेस में कट करूँगी। तो ये थोड़ा मैं अपने स्टाइल में बना लेती हूँ, एग्जैक्टली जैसा बनता है यहाँ पे वैसा नहीं बना रही हूँ, थोड़ा मैं उसमें अपना तड़का तो डाल ही दूंगी। ऑब्वियसली मैं बना रही हूँ ना, तो कुछ तो डिफरेंट बनाऊंगी उसमें, क्योंकि बिल्कुल साउथ इंडियन जैसा तो नहीं बनाऊंगी, नॉर्थ इंडियन वाला तो तड़का चाहिए ना, तो उसमें मैं डाल देती हूँ हर बार, और टेस्टी लगता है, अच्छा लगता है खाने में। तो ये सब बस कट कर लेती हूँ। एक्चुअली इसमें जितना भी वेजिटेबल्स डालिए अच्छा ही लगता है, आपको जो भी पसंद हो वो वेजिटेबल्स इसमें डाल सकते हैं, मटर डाल सकते हैं, वो भी बहुत टेस्टी लगता है इसमें। तो बस अभी मेरे पास इतना ही चीज़ था तो मैं इतना ही डाल रही हूँ, तो कट के बिल्कुल रेडी है। और मैं पानी डाल दी हूँ गर्म होने के लिए, और ये है वर्मिसली। एक राइस का आता है जो एक्चुअल में जो यहाँ बनाया जाता है वो राइस वर्मिसली से बनाया जाता है, बट मैं नॉर्मल जो हम लोग सेवई का खीर बनाते हैं ना वो वाला वर्मिसली यूज कर रही हूँ। तो इसको गर्म पानी में डाल दे रहे हैं थोड़ा सा पकने के लिए, और इसमें डाल दूंगी मैं थोड़ा सा सॉल्ट और थोड़ा सा हल्दी और थोड़ा सा तेल ताकि वो चिपके ना। तो ये सब डालने के बाद थोड़ा सा पकाऊंगी और उसको स्ट्रेन कर लूंगी। स्ट्रेन करते टाइम में उस पर पानी जरूर डालूंगी, ठंडा पानी, ताकि सारा जो उसमें जो स्टार्च होता है ना वो निकल जाए।
और हाँ एक चीज़ बताना भूल गई, जो वर्मीसली मैं इसमें डाली थी उसको पहले मैं रोस्ट कर ली थी थोड़ा सा, तब उसमें डाली हूँ, तो टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो चलिए बनाते हैं इसका मिक्स। तो मिक्स बनाने के लिए मैं कढ़ाई चढ़ा ली हूँ गैस पे और उसमें थोड़ा तेल डाल दी हूँ। तेल आप अपने हिसाब से डालिए, जितना बना रहे हैं उसके हिसाब से। और तेल जब गर्म हो जाए तो इसमें डाल रहे हैं राई, बहुत सिंपल है, सिंपल चीज़ है। साथ में डाल रही हूँ जीरा, थोड़ा सा ये चट-चट करने लगे मतलब पक जा, हल्का सा रोस्ट हो जाए तो इसमें डाल दी हूँ चना दाल। आप चाहे तो साथ में इसमें उड़द दाल भी डाल सकते हैं, वो भी टेस्ट अच्छा आता है। और फिर डाल रहे हैं पीनट्स, पीनट्स तो चाहिए, मोमेंट को इतना पसंद है, मुझे पसंद नहीं है पीनट, बट मैं पीनट्स सिर्फ डालती हूँ मोमेंट के लिए क्योंकि उनको बहुत पसंद है। साथ में डाल दी हूँ ग्रीन चिली और अभी डालूंगी, हल्का सा रोस्ट हो जाएगा तो, अनियन एंड करी लीव्स। करी लीव्स क्या होता है ना, हम लोग वॉश करते हैं और तब डालते हैं ना, तो उसमें थोड़ा पानी रहता है, तो सिर्फ करी लीव्स डालने से ना वो पूरा ऑयल ऐसे निकल के ना आपके हाथ हाथ पे पड़ जाएगा, तो इसलिए मैं अनियन और करी लीव्स साथ में डालती हूँ। साथ में डाल दी हूँ यहाँ पे आलू, आलू हालांकि छोटा छोटा कट की हूँ बट उसको थोड़ा टाइम लगता है बाकी सब्जियों से पकने में, तो मैं आलू पहले डाल दी हूँ। साथ में नमक डाल दी हूँ, हल्दी डाल दी हूँ और इसको थोड़ा सा पकने देती हूँ। आलू जो है कढ़ाई से चिपक जाता है इसलिए मैं थोड़ा पानी डाल दी हूँ और इसको कवर करके पकने दूंगी। पानी नहीं डालेंगे ना तो वो नीचे से पूरा लग जाता है कढ़ाई में, तो इस वजह से पानी डालना थोड़ा ज़रूरी है इसको पकाने के लिए। अगर तेल ज़्यादा डाल रहे हैं तो फिर पानी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन तेल बहुत ज़्यादा मैं नहीं यूज़ कर रही हूँ, जितना चाहिए उतना ही यूज़ कर रही हूँ। जनरली मार्केट में जो बनता है वो बहुत ज़्यादा ऑयल डालते हैं। साथ में आलू हो चुका है अभी और इसमें सभी सब्जी डाल रही हूँ मैं, जैसे कि अनियन, कैप्सिकम, और इसको हल्का 2 मिनट तक रोस्ट करूँगी। ये पकने में ज़्यादा टाइम वैसे नहीं लगता है और ये थोड़ा हल्का हल्का कच्चा ही अच्छा लगता है खाने में, तो इसको भी पकने देते हैं। और साथ में कोरिएंडर लीव्स डाल दी हूँ मैं, तो इसको भी 2 मिनट के लिए कवर कर देती हूँ। बहुत देर के लिए इसको कवर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। 2 मिनट बाद ये देखिए बस रेडी है हमारा मिक्स, जिसमें मुझे वर्मीसली डालना है। तो वर्मीसली को मैं ऑलरेडी छान करके रखी हूँ, उसमें का सारा पानी निकल गया है, तो अब मैं इसको डालूंगी। तो ये देखिए, ये लग रहा है कि बहुत चिपक गया है बट ये चिपका हुआ बिल्कुल नहीं है। और तो थोड़ा सा ऊपर से कोरिएंडर लीव्स डाल दी हूँ क्योंकि ऊपर से हल्का सा रहता है तो अच्छा लगता है। ये देखिए कितने अच्छे से हट गया ना, सारा अलग अलग हो गया है। तो पानी, ठंडा पानी जो है ना वो डालना बहुत ज़रूरी हो जाता है इसके स्टार्च को हटाने के लिए एक्चुअली, वरना ना पूरा चिपक जाता है, अजीब सा हो जाता है। तो बस इसको हल्का सा ऐसे रोस्ट करेंगे एंड ये रेडी है हमारा आज का डिनर। ये आज का हमारा डिनर होगा और साथ में हम लोग एक एक ग्लास मिल्क पियेंगे, बस टमी फुल। कितना झूठ बोलते हो, मैं 11 o'clock कैसे हो सकता है, कितने बजे शेरो अभी चेक टाइम, वो काम कर रहे हैं ना इसे पता ही नहीं चल रहा, बट 11 o'clock देंगे हम आपको ऐसे बोल रहे ना। तो हम लोग देखते हैं थोड़ा टीवी और खाते हैं डिनर आज का। सो आज का व्लॉग मैं यही खत्म करती हूँ, मिलती हूँ आप लोगों से मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन आप लोग भी इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए एंड अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब तो जरूर कर दीजिए एंड बेल बटन उसे जरूर दबा दीजिए ताकि जो भी मैं नया वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। टिल देन घर में रहिए, सेफ से रहिए, जरूरत पड़े तो ही बाहर जाइए एंड बाय।